दोस्तों आईपीएल के इस सीजन में एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स अपना दम दिखा रही है। टीम ने अभी तक 8 में से 6 मैचों में जीत हासिल करी है और इस वजह से दिल्ली की टीम अभी पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ सबसे ऊपर खड़ी है। संडे को खेले गए पंजाब के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को काफी बुरी तरह हराया है और एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स का ऑलराउंडर प्रदर्शन विरोधी टीमों पर भारी पड़ा है और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की दिशा में दिल्ली कैपिटल्स ने अपना एक और कदम बढ़ा दिया है। टीम की गेंदबाजी तो शानदार रही लेकिन बल्लेबाजी टीम की जान बनी हुई है। खास तौर पर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी की पावर प्ले में धुआंधार बल्लेबाजी ने विरोधी टीमों को पस्त कर दिया है। संडे को पंजाब किंग्स से मिले 166 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने बेहतरीन शुरुआत की और एक बार फिर से पृथ्वी शॉ और धवन ने पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। शॉ के विकेट के साथ ही ये साझेदारी टूटी। पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 22 गेंदों में 39 रन ठोक दिए थे और खास बात ये रही कि ये 63 रन पावर प्ले में ही बन गए थे। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर की पहली ही बॉल पर पृथ्वी शॉ आउट हुए लेकिन इस तूफानी शुरुआत ने दिल्ली की टीम को एक आसान जीत दिलवाई। हमें इस आईपीएल में दिल्ली का पावर प्ले में पूरा दबदबा देखने को मिला है। ये इस सीजन में पहला मौका नहीं है जब पावर प्ले में दिल्ली ने ऐसी तूफानी शुरुआत की हो। अभी तक इस सीजन में 29 मैचों में 58 पारियां खेली जा चुकी हैं, लेकिन हर टीम पावर प्ले में ऐसा तूफान खड़ा नहीं कर पाई है जैसा दिल्ली ने किया है। अभी तक पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दिल्ली कैपिटल सबसे आगे है। इस सीजन पावर प्ले में टॉप 5 स्कोर में से 4 दिल्ली के नाम है। दिल्ली के लिए दोनों ओपनर बेहद शानदार रहे हैं। पृथ्वी शॉ अगर तूफानी शुरुआत दिला रहे हैं तो वहीं धवन टीम को संभाल रहे हैं और लंबी पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचा रहे हैं। अगर सिर्फ पावर प्ले की बात करें तो पृथ्वी शॉ का दबदबा रहा है जिस कारण दिल्ली को ऐसी तूफानी शुरुआत मिली है। पावर प्ले में पृथ्वी शॉ का स्ट्राइक रेट 187.4 का रहा है। पृथ्वी शॉ ने अभी तक टूर्नामेंट में 3 अर्धशतक ठोक दिए हैं और 8 पारियों में 308 रन बना चुके हैं। पृथ्वी शॉ का स्ट्राइक रेट 166.48 का रहा है जो 200 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है। अगर पृथ्वी शॉ यही फॉर्म बरकरार रखते हैं तो आने वाले मैचों में बाकी टीमों की हालत और खराब होने वाली है क्योंकि अगर जिस टीम की शुरुआत काफी ताबड़तोड़ तरीके से होती है उस टीम के जीतने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल की रेस में सबकी फेवरेट बनी हुई है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या दिल्ली कैपिटल्स इस बार का फाइनल मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।